भारत में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं था कि इसके बाद अब दो और जानलेवा वायरस ने भारत में घर बनाने की शुरुआत कर दी है। भारत में कोविड-19 के साथ ही बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस की तरह ही हाल फिलहाल में ही बर्ड फ्लू की शुरुआत भी भारत के एक राज्य केरल से ही हुई है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, darurarpe.in देख रहे हैं। केरल सरकार ने परप नगरी के में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। मुर्गियों को मारने का आदेश भी दिया है। केरल के कोच्चिकोड में भी 8 मार्च को बर्ड फ्लू के दो मामले सामने आए थे। केरल सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कुछ दिनों में बर्ड फ्लू के कई संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में इन तीन राज्यों में कोरोना वायरस के साथ ही बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना वायरस के कुल अब तक 84 मरीज भारत में हैं और 2 की मौत भी कोरोना वायरस के चलते भारत में हो चुकी है। कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 13 राज्यों में फैला हुआ है। WHO की रिपोर्ट में इसे महामारी घोषित किए जाने के बाद से कई राज्यों में महामारी घोषित कर स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा घर और स्विमिंग पूल और जिम जैसी भीड़भाड़ वाले इलाकों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश भी दिए गए। केरल सरकार ने बर्ड फ्लू के केंद्र परप नगरी और कोझिकोड में 1 किलोमीटर के दायरे में सभी मुर्गियों को मारने के आदेश दे दिए हैं। केरल के निरीक्षण अधिकारी के मुताबिक बर्ड फ्लू से निपटने के लिए दोनों जगहों पर 35 विशेष टीम का गठन किया गया। इन टीमों ने पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों को मारने और उनके निस्तारण का काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही जिला कलेक्टर के आदेश पर प्रभावित क्षेत्रों के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में अंडा, मुर्गी और किसी भी तरह के जानवरों की खरीद फरोख्त पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। आपको खबर हो कि केरल में अब तक कोरोना वायरस के भी 19 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के पहले 3 मामले भी केरल से ही सामने आए थे। तीनों चीन से घूम कर लौटे थे। अब उनका इलाज किया जा चुका है और सभी स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। यही वजह है कि केरल सरकार बर्ड फ्लू को लेकर काफी अलर्ट है। केरल के अलावा उत्तर प्रदेश में भी पिछले करीब 1 माह से बर्ड फ्लू के कई संकेत मिल चुके हैं। यूपी के वाराणसी शहर में पिछले करीब 1.5 माह के दौरान पक्षियों के संदिग्ध मौत के कई मामले सामने आए हैं, जिस पर सरकार गंभीर भी है। फरवरी 2020 की शुरुआत में वाराणसी के रोहनिया अंतर्गत मोहनसरा इलाके में काफी संख्या में कौओं की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। इसमें 3 कौओं की जांच के लिए उन्हें भोपाल स्थित लैब भेजा गया था, जिसमें उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई थी। वाराणसी के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बीपी सिंह ने 25 फरवरी को मीडिया के साथ बातचीत की थी। इसमें जिला प्रशासन ने कहा था कि मृत कौए पाए गए हैं, जहां उनसे 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी पोल्ट्री फार्म को तत्काल ही बंद किया गया है और किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। इसमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। प्रभावितों में मणिपुर की एक महिला है, उसकी 10 वर्षीय बेटी है, 23 महीने का एक उसका बच्चा भी है। पिछले सप्ताह भी सऊदी अरब से मुर्शिदाबाद लौटे एक व्यक्ति में स्वाइन फ्लू की पुष्टि की गई थी। इसके अलावा भी कई संदिग्ध मरीजों की लगातार जांच जारी है। तो हम तो यही कहेंगे कि स्वाइन फ्लू के साथ बर्ड फ्लू का खतरा भी अब लगातार देखने को मिल रहा है। आप स्वच्छ रहें, साफ रहें और सुरक्षित रहें। बहरहाल, अगर वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक भी कर दें। शुक्रिया।